आप देख रहे हैं नेशनल वॉच खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, विश्व स्ट्रोक दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में न्यूरो साइंसेज, न्यूरो सर्जरी, इमरजेंसी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की टीम एक साथ बैठी और स्ट्रोक्स के कारणों पर चर्चा हुई। दोस्तों, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक भारत में बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। पास बैठे व्यक्ति को कब स्ट्रोक आ जाए और कब उसकी जान पर बनाए हम जान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लक्षणों को लेकर के कि कैसे आम आदमी पहचान सके कि उसके बगल में बैठे व्यक्ति को स्ट्रोक आ गया है और अगर स्ट्रोक आ गया है तो क्या करना चाहिए। साथ ही हम इस वर्ल्ड स्ट्रोक डे की क्या थीम है, क्या जागरूकता के लिए हमें करना चाहिए, इन सब कारणों पर हम आज खास बातचीत करने वाले हैं। और इस साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे की थीम है टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। मतलब हम सभी लोग अगर साथ साथ बह के स्ट्रोक से लड़ाई करेंगे तो हम लोग स्ट्रोक के ऊपर भारी पड़ेंगे। यह इस साल की वर्ल्ड स्ट्रोक डे की थीम है। सर, क्या कहना चाहेंगे अवेयरनेस के लिए? देखिए, स्ट्रोक एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे कि हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, पर इसके बारे में जागरूकता बहुत कम है। तो सबसे जरूरी यही चीज है कि हम लोग सभी लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या हैं, और स्ट्रोक के सिम्टम्स होने पे ये जो हम लोग जो हैं वो सही अस्पताल में आए। सही अस्पताल में आने का मतलब जहाँ पे, जिन अस्पतालों में स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता हो। कई बार क्या होता है, मरीज जो है वो उन अस्पतालों में चला जाता है जहाँ पे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं होता और समय नष्ट हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में, क्योंकि समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे अस्पताल जहाँ पे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है, जैसे मेदांता हॉस्पिटल है, पीजीआई है, या केजीएमसी है, या आरएमएल इंस्टीट्यूट है, इस तरह के बड़े अस्पतालों में जाए। छोटे छोटे अस्पतालों में जाके जो मरीज जो इसका जो असली ट्रीटमेंट होता है उससे वंचित रह जाता है। तो इस बात की जागरूकता कि पहली बात की स्ट्रोक को पहचाने कि स्ट्रोक हुआ है, और फिर उसके बाद समय के महत्व को समझे कि हम लोगों को सही जगह पे तुरंत हॉस्पिटल पे जाना है। ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर, गोल्डन पीरियड कितना होता है? गोल्डन पीरियड जो होता है वो 4.5 घंटे से लेकर 6 घंटे के तक रखा गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मरीजों के लिए सेम है। कुछ मरीज जो भाग्यशाली मरीज होते हैं उनमें हम लोग 24-24 घंटे बाद भी थ्रोम्बोलिसिस या एंडोवैस्कुलर प्रोसीजर कर सकते हैं, पर इन जनरल सबके लिए जो सामान्य रूल यही है कि अगर वो 4.5 घंटे के अंदर आते हैं तो उनको हर तरह का जो स्ट्रोक का जो हम लोग प्रभावी ट्रीटमेंट है हम लोग देने के लिए सक्षम होते हैं। जी सर, जैसा आपने बताया कि पीजीआई, मेडिकल कॉलेज या बड़े किसी अस्पताल में जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई इंटीरियर में है, छोटी जगह पे है, तो ऐसे कौन सी सुविधा मौजूद हो, ऐसे किस अस्पताल में जाए जहाँ उसका ट्रीटमेंट हो सके? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इंटीरियर्स में या छोटे जगह पे क्या करें मरीज। तो आज हमारे जो देश है वो इस सब और हमारी जो सरकार है इसके दिशा में बड़ा प्रयास कर रही है। उसने हर प्रदेश के हर जिले में लगभग मेडिकल कॉलेज खोल दिए हैं और जिला अस्पतालों को भी इक्विप्ड कर दिया है कि वो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कर सके, जो हम जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन ये चीज अभी शुरू नहीं हुई है, पर उन्होंने सुविधाएं प्रदान कर दी है। तो जिन अस्पतालों में सीटी स्कैन उपलब्ध है वहाँ पे ये स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो सकता है। प्रदेश सरकार की मदद से सबका ट्रेनिंग का कार्य शुरू हो रहा है, तो जल्द ही 1-2 साल के अंदर ही ये चिकित्सा जिला स्तर पे सभी जगह उपलब्ध हो जाएगी। तो मुझे, अगर आप छोटी जगह से बिलोंग हैं तो ऐसे अस्पताल में अपने पास पे जाएं जहाँ पे एटलीस्ट सीटी की सुविधा हो, या अगर जिला में कोई मेडिकल कॉलेज है जिला का, या जिला का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रोक का इस तरह का ट्रीटमेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा है। जैसा बताया गया कि स्ट्रोक दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारी है और लाखों करोड़ों मौतों का कारण बनती है, लेकिन आम आदमी के बीच में बैठा आदमी अचानक से स्ट्रोक का शिकार हो जाता है और आम आदमी पहचान ही नहीं पाता कि इसको स्ट्रोक आया है। तो सर, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचाना जाए? जी बिल्कुल, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी अगर मरीज घर पे अगर स्ट्रोक के लक्षण को पहचान लेगा तो वो तुरंत ऐसे स्ट्रोक रेडी सेंटर में जा पाएगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसे सर ने बताया कि एक निमोनिक होती है बी फास्ट, अगर कोई मरीज अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा है, आंखों से सडन उसका विजुअल लॉस हो गया, या उसको फेशियल वीकनेस हो गया, एक साइड का चेहरा लटक गया, या आम वीकनेस बोलते हैं, एक साइड की बॉडी काम करना बंद कर दी, या स्पीच या बोलने में कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। आपको ऐसे सेंटर में जाना है जहाँ सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो और न्यूरोलॉजिस्ट हमेशा वहाँ पे उपलब्ध हो ताकि उसका सही टाइम पे इलाज हो। सर, अगर स्ट्रोक पड़ जाता है तो क्या कोई फर्स्ट एड भी दिया जा सकता है, घर पे कुछ ऐसा उपचार हो सकता है? सबसे बेस्ट उपचार है कि आप स्ट्रोक रेडी सेंटर में जाएं
जहाँ पे बेसिक मिनिमम सुविधाएं उपलब्ध हों, उसमें सीटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी कोई भी बीमारी में आप टाइम, ऐसी कोई भी दवाई में आप टाइम वेस्ट ना करें, छोटे सेंटर पे ना जाएं, ड्रिप ना चढ़वाएं या कोई दवाई ना लें, क्योंकि आपको पहले ये पता लगाना है कि वो ब्रेन में नस फटी है या ब्रेन में खून का थक्का जमा है। आपको ये डिफरेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट सीटी की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ऐसे सेंटर पर टाइमली पहुंचना बहुत जरूरी है। सर, कई बार ऐसा समझा जाता है कि खासतौर से इंटीरियर क्षेत्रों में कि अगर स्ट्रोक आया है तो मिर्गी का दौरा पड़ गया है और फिर मिर्गी को लेके बहुत सारी भ्रांतियां, तो उस तरीके से लोग शुरू कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि छोटे सेंटर में और छोटे गाँव में, कस्बे में ये बड़ा भ्रांति फैली हुई है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी या झटका आना कम्प्लीटली डिफरेंट बीमारी है और उसका इलाज भी बिल्कुल अलग है। जैसा मैंने बताया, एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा, बोलने में दिक्कत हो रही है, दिखाई देना अचानक बंद हो गया या वो चल नहीं पा रहा है, वो स्ट्रोक होता है। मिर्गी में पूरी बॉडी में कंपन होता है, झटके आते हैं, टंग बाइट होता है, तो वो बिल्कुल अलग बीमारियाँ हैं, उसका इलाज बिल्कुल अलग है, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत है।